आदाब नाजरीन, मैं सबाहतुल्ला, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है स्टार न्यूज एक्सप्रेस में। आगापुरा डॉक्टर जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के पीछे ग्राउंड में काफी महीनों से कचरे का अंबार लगा हुआ है। जीएचएमसी की जानिब से वहां पर कचरे की अदम निकासी की वजह से मुकामी अवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। इस कचरे की वजह से मच्छरों की बहुतात में इजाफा देखा जा रहा है और बच्चे बूढ़े मच्छरों की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। मुकामी कारपोरेटर को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। मुकामी अवाम ने कई बार इस बात की शिकायत मुकामी कारपोरेटर को करने के बावजूद भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई और न जीएचएमसी अमला भी लापरवाही बरत रहा है। पहले ही अवाम कोरोना जैसी वबा से लड़ रहा है, ऐसे में ऐसी गंदगी अवाम को मुतासिर कर रही है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल मेहराज ने मुकामी अवाम से बात की है। मुकामी अवाम ने स्टार न्यूज एक्सप्रेस से बात करते हुए तफसील बताई, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, स्टार न्यूज एक्सप्रेस के साथ मैं रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल मेहराज यहाँ पर मौजूद हूँ आगापुरा जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के जो पीछे ग्राउंड है, यहाँ पर जो है काफ़ी महीनों से बल्दिया की तरफ से साफ़ सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी सारी गंदगी हो गई है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है आवाम को, अतराफ के जितने भी घर है यहाँ की आवाम को काफ़ी मुश्किल हो रही है। बेइंतहा जो है मच्छर और चूहे, घूस और झुंगूर काफ़ी हो गए हैं। यहाँ पर जो है आवाम को काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है चंद अफराद या महल्ले के जो है मौजूद है, आइए इनसे सुनते हैं इनकी जितने परेशानियाँ, इनकी ज़बानी सुनते हैं। आइए, आपका नाम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं, मेरा नाम मोहम्मद नूर है। मैं जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के सामने मेरा मकान है जो इस ग्राउंड के पास। काफ़ी दिन से मैं, यानी कि मेरे कारोबार की वजह से मैं, यानी कि इधर देखना करना नहीं हो रहा था, लेकिन ये लॉकडाउन में मैं देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कचरा यानी कि हो गया, कोई साफ़ सफाई के लिए नहीं है। हालांकि कॉरपोरेटर साहब भी नहीं आ रहे, ना तो MLA साहब भी नहीं आ रहे। नीचे रहते ना, आगे थोड़ा, हाँ आगे थोड़ा रहते, MIM पार्टी के है और उनका नाम जफर साहब बोल के है, इन्फॉर्मेशन है उनके पास, इन्फॉर्मेशन है। हालांकि MCH का जो है सुपरवाइज़र से भी बात किया मैं, उसको बुला के काफ़ी एक घंटे तक बातचीत हुई मेरी उसकी, तो उन्होंने यही बोल रहे कि कराएंगे, सिर्फ कराएंगे, करूंगा बोल रहे, लेकिन कर रहे नहीं आगे। लिहाजा लॉकडाउन रहने से मेरे को उधर जाना भी नहीं हो रहा, किसी से बात करना भी नहीं हो रहा। और क्या बोलते अपने, मैं गुजारिश करता हूँ हमारे MLA साहब से भी और कॉरपोरेटर साहब से भी, ये TV चैनल के ज़रिए से, आपके ज़रिए से मैं उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये हुकूमत से क्या आपकी अपील है आपकी? तेलंगाना हुकूमत तो यानी कि बहुत यहाँ पे अच्छी तरीके से उन्होंने कॉरपोरेटर कर रहे हैं, मतलब कॉरपोरेट अच्छा है। और लिहाजा मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें हैं महल्ले में जो गलियों में इधर उधर जो घूमना करना नहीं होता, देखना करना नहीं होता, वहाँ पे भी चंद अफराद को भिजा के काम यानी कि अच्छे से कराए, अंजाम दे। आप देख रहे हैं पुरसाने हाल, आप भी देख रहे हैं यहाँ पे कितने, डेढ़ महीने से तो मैं हूँ, डेढ़ महीने से मैं उन लोग को बोल रहा हूँ ऑफिस को जाना, उधर जाएगा तो 10 बजे तक था कोई, उधर ऑफिस पे कोई नहीं थे, लेकिन अब यानी कि 5 बजे तक हुआ तो उन्होंने एक धनराज बोल करके कोई, यानी कि उनका, हाँ सुपरवाइज़र का है वो, उनका नंबर, यानी कि उनका, हाँ सुपरवाइज़र का है वो, उनका नंबर दिए, फ़ोन पे बात किया मैं सुबह में, तो उन्होंने बोले कि कराऊंगा मैं, ये नहीं बोले कि अभी लाऊंगा या कुछ करूंगा, कराऊंगा, बस इनका कहना यही है। कब गए थे आप उनके पास? 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, फिर उससे 20 दिन पहले मुलाकात हुई थी, फिर आज सुबह में भी हुई, मतलब 3 बार तक आए नहीं, नहीं 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 कोई नहीं आए। उन्होंने ये बोल रहे हैं कि कुछ उनके अपने दूसरे काम भी है बोल के बता रहे थे। अच्छा, ये तो ये नीचे की गंदगी है, ऊपर के बारे में कुछ? ऊपर के बारे में अब कल हवा छुटी, ये हाँ हवा छुटी, फिर इससे पहले लाइट भी गई, यही झाड़ की वजह से आप देख रहे हैं। जी, बने रहिए स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ, रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल मेहराज, हम आपको जो है हर महल्ला, जो है हर गली और कूचे में जो भी मुश्किलें है, हम जो है चैनल के ज़रिए आपके सामने लेकर आएंगे। आपसे बस यही है कि लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।